हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आज बताएंगे कि किस प्रकार से समोसा का चोखा बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं आधी मरचाई को चूरने के लिए। तो आधी मरचा को चूरेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, झोला से निकालते हैं, मरचा निकालेंगे, आधी निकालेंगे। तो दोस्तों, करेंगे क्या कि लगभग मेरे पास 10 केजी आलू है, तो 250 ग्राम मरचा को चूर देते हैं और लगभग 100 ग्राम आधी रहेगा, दोनों को मिक्स कर कर चूरेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से देखें, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस प्रकार से देखिए, चूर रहे हैं आराम से, इस प्रकार से धीरे धीरे चूरेंगे। देखिए, कोई मेहमान आ गए हैं जो मरचाई को देखे ले रहे हैं। तो दोस्तों, कोई बात नहीं है, तो आप देखे रहेंगे किस प्रकार से हम इसको चूरते चूरते हुए इतना छोटा छोटा महीन कर दिए हैं। देखिए, मेरी मुस्कुराहट कैसी लग रही है आपको। दोस्तों, इस मुस्कुराहट पर आप जरूर मेरे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं किस प्रकार से इस मसालों को भूनते हैं, तैयार करते हैं। तो इस चैनल पर बने रहे, बहुत ही खास चैनल है। तो दोस्तों, इस चैनल पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जाता है, तो कुकिंग के लिए स्पेशल है और ब्लॉग भी है, एंटरटेनमेंट भी है इस चैनल पर। तो दोस्तों, ये देखिए हरदी है दोस्तों, और नमक और गुंडी को दिखा दिए थे पहले। ये देखिए बादाम है, देखिए हाथ में लेकर दिखाते हैं किस प्रकार से है। देखिए, इस प्रकार से बादाम है जो चोखा में डालेंगे बादाम को। तो दोस्तों, कोई खास मेहमान है और कढ़ाई को लाने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमको कढ़ाई में भूनना है। तो आप रंग बिरंग तस्वीर देखकर आप तो हैरान हो गए होंगे। तो देखिए, कढ़ाई को रखते हैं और गरम मसाला को ले लेते हैं, क्योंकि हमको चोखा में, समोसा के चोखा में, समोसा का मसाला में गरम मसाला डालना होता है। तो चलते हैं किस प्रकार से भूनते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्या करते हैं कि कढ़ाई को चढ़ा देते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पोछ लेते हैं। तो पोछते आप देख ही रहेंगे किस प्रकार से हम पोछ रहे हैं। तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को एडिट करने में। तो दोस्तों, एक डब्बू देखिए लगभग 250 ग्राम तेल डाल दिए हैं। कड़वा तेल डाल सकते हैं आप, कोई भी तेल आप डाल सकते हैं, आपके मन के मुताबिक होगा, क्योंकि आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। तो हमने कड़वा तेल डाला, अब बादाम को डालते हैं और बादाम को इस प्रकार से भूनते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक, अंत तक बने रहे किस प्रकार से हम समोसा का मसाला तैयार कर देते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से भूनते हैं और देखिए ये किस प्रकार से रंग में बदल जाता है। तो भूनने के बाद इसमें क्या करेंगे कि मरचा को डालेंगे। ये देखिए, आधी मरचा जो चूरे थे उसी को डाल दिए हैं। तो देखिए ये किस प्रकार से हो रहा है। अब करेंगे क्या कि इसमें मसाला डालेंगे। तो इसमें मसाला डालेंगे क्या, जो हल्दी है, नमक है, गुंडी है, गर्म मसाला है। ज़्यादा मसाला डालकर हम लोग तैयार नहीं करते हैं। ये देखिए, 2 या 3 चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, नहीं तो डकान हो जाएगा। ये देखिए गुंडी है, ये छोटी चम्मच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चम्मच के लगभग 7 छोटी चम्मच हम गुंडी डाल दिए हैं। तो ये नमक भी 7 छोटी चम्मच डाल देंगे, क्योंकि हमको बहुत ही एक्सपीरियंस है, इसलिए लगभग डाल देते हैं जल्दी जल्दी। तो देख रहे हैं कितना अच्छी तरीके से ये मसाला भूनेगा। तो आप समझ ही रहे होंगे कि बाज़ार में किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये हम इस चैनल पर बहुत ही कुछ सिखा सकते हैं आपको। तो ये बहुत ही, देखिए लगता है मसाला सूखा हुआ, हल्का सा और तेल डालना पड़ेगा। तो हल्का सा और तेल डाल देते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार से, वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। देखिए इस प्रकार से हम लोग चला रहे हैं इसे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। तो आप यूट्यूब पर हमें नया देख रहे होंगे, लेकिन देखते देखते हम बहुत ही पुराना हो जाएंगे, क्योंकि हमें इतना विश्वास है
चलिए चलते हैं आलू लाने, क्योंकि हमें आलू के समोसा में भेज समोसा भी बनता है, तो आलू वाला समोसा बना रहे हैं, तो इसीलिए आलू को भूनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगले वीडियो में बनाएंगे कि समोसा किस प्रकार बनाया जाता है। इस वीडियो में हम बता देते हैं कि किस प्रकार से आलू को भूंजा जाता है और भूंजकर चोखा बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए आलू को ले जा रहे हैं, हमारे पास कुछ ग्राहक भी हैं तो खड़े हुए हैं जो देख रहे हैं, और हम क्या करेंगे कि इसको ये भून गया, मसाला डालना भूल गए थे तो मसाला डाल देते हैं। ये देखिए मसाला ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि 10 केजी ही आलू है, तो दो पैकेट डाल देते हैं मात्र। ये मसाला गरम मसाला किराना स्टोर में मिल जाएगा आपके गांव या शहर के नज़दीक में। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से इसका खुशबू आपके पास जा रहा होगा, जा तो नहीं रहा होगा लेकिन मुँह में पानी आ रहा होगा क्योंकि समोसा खाने का मन बहुत ही करता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस प्रकार से आप बाज़ार में जाने के बाद समोसा खाने के लिए लगभग अभी समोसा भी महंगा हो गया है क्योंकि तेल ही महंगा है। तो देखिए किस प्रकार से भूंज रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कितना मेहनत लगता है इसको भूंजने में। तो समोसा बनाया जाता है, बहुत ही छोटे छोटे काम करना पड़ता है इसमें तो समोसा बनता है। तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि किस प्रकार से समोसा बनाया जाता है। ये देखिए किस प्रकार से हम संदेरा में लेकर इसको दिखा रहे हैं कि ये देखिए खर हो गया है, इसी प्रकार से भूनते भूनते खर कर देते हैं। ये देखिए कितना लाल है और ये देखिए तैयार ही हो गया है। अब इसमें क्या करते हैं, आलू को डाल देते हैं। आलू के इस प्रकार डालने के बाद झंझरा से इसको चूरेंगे, नहीं तो झंझरा से आलू ठंडा का मौसम है तो आलू जो है क्या हुआ है कि टाइट हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आलू को नहीं छीले, तो मजबूरी है क्योंकि नया वाला आलू है तो उसको छीलना भी उतना उचित नहीं है क्योंकि छिलाएगा। तो आप समझ ही रहे होंगे किस प्रकार से हमने इसको चूरा है, मतलब लोटा सबको चूलना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम हाली हाली चूर रहे हैं। अगर आप बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं समोसा घर में। हम लोग क्या करते हैं कि मसाला में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोग अपना घर में बनाते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट वेरी, नो एनी प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से चूर रहे हैं, तो चूरते चूरते हमने इतना महीन कर दिया। अब करेंगे क्या कि इसको अब झांझरा से मिलाएंगे। झांझरा कहने का मतलब इसको स्पेशल जो है झांझरा बनाया गया है स्पेशल चोखा भूनने के लिए। अब जो कढ़ाई देख रहे हैं कितना धस गया है, इसको भूनते ही भूनते धस गया है। तो लगभग आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी काम होती है। देख रहे हैं कि पीछे समोसा बनाया हुआ है, समोसा बनाने का वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से मसालों को भून कर तैयार कर दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, चोखा देख रहे हैं किस प्रकार से है, आप समझ ही रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है। इसका स्वाद भी खाने जब देखने में इतना ही अच्छा लग रहा है तो खाने में तो और अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। देखिए हमने इसको झंझरा से चूर चूर कर छोटा छोटा खंडों में तोड़ दिया है। देखिए इसका बादाम भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि इसको अब उतार देंगे और इसको निकालेंगे। आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने इसे ये देखिए उतार दिए। अब इसको किसी कठौती में करके निकाल लेते हैं। कठौती में निकालने के बाद अब क्या करेंगे, समोसा को भरेंगे, अब खुद बेचेंगे क्योंकि खाने के लिए तो नहीं बना रहे हैं। तो इस प्रकार से निकाल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से निकाल दिए, लोटा में पानी रखते हैं, समोसा को भरने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि ये किस प्रकार से बनाया गया आप समझ गए होंगे। थैंक्स।